एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम अपने बात करेंगे जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ओडीआई सीरीज आज से स्टार्ट होगी। पहला मैच खेला जाएगा 11:30 बजे, तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर आपको इस मैच की फाइनल टीम तो मिलेगी, उसके अलावा आपको जो भी बैटिंग ऑर्डर होगा, न्यू प्लेयर्स के स्टैट्स होंगे, सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलने वाली हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। बात करेंगे मैच के बारे में। 11:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, शेरे बंगाल नेशनल स्टेडियम ढाका में मैच खेला जाएगा। और ये जो देखो, इस ग्राउंड पर आज दिन तक मैंने जितने मैचेस देखे, ज़्यादातर मैचेस में आप देखोगे स्पिनर्स को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मदद यहाँ पर सेकेंड इनिंग में मिलती है। और इस ग्राउंड पर ध्यान से सुनना, इस ग्राउंड पर चेस करना उतना आसान नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। आप लास्ट के 3 मैच अगर ओडीआई के यहाँ पर उठा के देखोगे, तीनों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखना, पहली बात तो स्कोर थोड़े यहाँ पर कम बनते हैं। हाँ, अगर इंडिया पहले बैट कर रहे हैं तो हो सकता है बड़ा स्कोर बन जाए, अदरवाइज आपको 200 साढ़े यहाँ पर 250 के बीच में ही स्कोर देखने को मिलेगा। एवरेज स्कोर 240 से 260 के बीच में बनता है जनरली। पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की टीम की, तो बांग्लादेश की जो टीम है यहाँ से ओपन करेंगे लिट्टन दास और अनामुल हक। लिट्टन दास की बात करूँ तो इसका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा ही रहता है, अभी आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, 6 मैच में 228 रन 38 का एवरेज है इंडिया के खिलाफ। रीसेंट फॉर्म में 9-34-14-60-10, बढ़िया फॉर्म से ये आ रहा है। अनामुल हक आएंगे यहाँ से, करियर में 41 मैच में 1221 रन है, इंडिया के खिलाफ 4 मैच में 121 रन 40 का एवरेज है, ये भी बढ़िया बैटर है, बस थोड़ा सा कभी कभी रश करने जाता है और आउट हो जाता है। रिसेंट फॉर्म इसका उतना अच्छा है नहीं, 5-12-1-0-59 है। साकिब अल हसन है, लेफ्ट हैंड बैटिंग स्लो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, ये तो बिल्कुल आपकी टीम में होना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया के खिलाफ 18 मैच में 591 रन 36 का एवरेज, 19 विकेट है। ये क्या करेगा, वन डाउन बैटिंग करेगा, साथ के साथ आपको पूरे 10 ओवर देगा, तो भाई बिल्कुल टीम में होना चाहिए। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 15-1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 17-0 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे मुश्फिकुर रहीम, इनकी बात करूँ तो 22 मैच में 628 रन है इंडिया के खिलाफ, रिसेंट फॉर्म 0-44-1-68 की इनकी रही है। फिर आएंगे ऐसे अफीफ हुसैन, ये भी एक बहुत बढ़िया बैटर है, बात आप ध्यान में रखना, करियर में 19 मैच में 481 रन 43 का एवरेज, 3 विकेट है, बॉलिंग उतनी ज़्यादा करवाते नहीं लेकिन बैटिंग बहुत बढ़िया करते हैं। रिसेंट फॉर्म 3-24 नॉट आउट 27-26 1 विकेट 8 रन 0 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे महमूदुल्ला की बात करूँ तो 14 मैच में खेले इंडिया के खिलाफ, 319 रन है और 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म इनका जो है 20 नॉट आउट 0 विकेट, 80 नॉट आउट 39-96 और 39-0 विकेट, तो बहुत बढ़िया फॉर्म से आ रहे हैं लिस्ट में, ये बात ध्यान रखना। ये 3 इनके ओडीआई के मैच है और ये 2 इनके लिस्ट के मैच है, तो बहुत बढ़िया फॉर्म से आ रहे हैं महमूदुल्ला। नूरुल हसन है, करियर में 6 मैच में 165 रन है, रिसेंट फॉर्म 13-2-1-25-0 है। मुस्तफिजुर रहमान, इंडिया के खिलाफ खेलना बहुत पसंद है, स्पेशली ओडीआई में आप रिकॉर्ड देख लो, 7 मैच में 20 विकेट है। हालांकि रिसेंट फॉर्म इनका उतना कुछ खास है नहीं, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, लेकिन अभी मेरे हिसाब से अच्छा रिकॉर्ड बन सकता है क्योंकि ये मैच हो रहा है बांग्लादेश में। महदी हसन मिराज हैं, इन्होंने इंडिया के खिलाफ 2 मैच में 74 रन 0 विकेट है और करियर में 64 मैच में 615 रन 75 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 25-5 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। फिर आएंगे ऐसे हसन महमूद, 5 मैच में 8 विकेट है करियर में, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट 1 रन 0 विकेट 1 रन 0 विकेट 18 रन 0 विकेट है। इबादत हुसैन, 1 मैच में 2 विकेट है, लिस्ट में 17 मैच में 20 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 11-4 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट है। तो यहाँ से अभी के लिए मैं पिक करने वाला हूँ लिट्टन दास को, साकिब अल हसन को, मुस्फिकुर रहीम को रखूँगा, महमूदुल्ला को रखूँगा, मुस्तफिजुर रहमान को रखूँगा, और इसके अलावा यहाँ से मैं या तो मेहदी हसन मिराज के साथ जाऊँगा, अगर मैं इनको नहीं रखता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर हसन महमूद को यहाँ पर टीम में रखने वाला हूँ। बेंच पर जो इनके प्लेयर हैं उनके भी स्टैट्स आप देख सकते हो, तो नजमुल हुसैन सेंटो हैं, करियर में 13 मैच में 189 रन 0 विकेट है, इंडिया के खिलाफ 1 मैच में 7 रन है, रिसेंट फॉर्म 21-54-38-23-15-1 विकेट है। यासिर अली चौधरी हैं, 6 मैच में 53 रन 0 विकेट है करियर में, रिसेंट फॉर्म इनका जो लिस्टे का फॉर्म है 3-1-1-80-41 है। तस्कीन अहमद पहले मैच के लिए अवेलेबल नहीं है, सोरीफुल इस्लाम जो है रिप्लेसमेंट प्लेयर है तमीम इकबाल के,
14 मैच में 19 विकेट है करियर में। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट है। नसू मोहम्मद है 3 मैच में 5 विकेट है करियर में। रिसेंट फॉर्म 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 38 0 विकेट है। इनकी तरफ से स्टार्टिंग की ओर डालनी चाहिए हसन महमूद और इबादत हुसैन। डेथ की ओर डालनी चाहिए मुस्तफिजुर्रहमान, हसन महमूद और इबादत हुसैन। तो बात होगी बांग्लादेश की टीम की। अब बात करेंगे इंडिया की टीम की। इंडिया की जो टीम है यहाँ पर ओपन करेंगे रोहित और शिखर। रोहित की पहले बात करूँ तो देख सकते हो आप बांग्लादेश के खिलाफ 13 मैच में 660 रन और 60 का एवरेज, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है इनका बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में। रीसेंट फॉर्म इनका टी20 का है क्योंकि हाल फिलहाल में टी20 इन्होंने खेले हैं। 53-15-2, 15-27 ठीक ठाक से फॉर्म से आ रहे हैं। शिखर धवन है बांग्लादेश के खिलाफ 8 मैच में 317 रन 39 का एवरेज है। अभी ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेल गया है वहाँ पर 72-3 और 28 इन्होंने किया था। विराट कोहली हैं, इनका भी रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ बहुत तगड़ा है। 12 में 680 रन 75 का एवरेज है। रीसेंट फॉर्म टी20 का है 62-12, 64 नॉट आउट, 26 और 50, बहुत तगड़ी फॉर्म से आ रहे हैं वर्ल्ड कप से। श्रेष्ठ अय्यर हैं, अब तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई मैच नहीं खेले लेकिन अपने करियर में 36 मैच में 1428 रन 49 का एवरेज है। और अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 ODI मैच खेले ना वहाँ पर 80 और 49 किया था इन्होंने, एक मैच में तो क्योंकि हो ही नहीं पाता, तो बहुत बढ़िया फॉर्म से आ रहे हैं। KL राहुल हैं, ये नंबर 5 पर ही मेरे हिसाब से खेलेंगे। करियर में 45 मैच में 1665 रन, बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में 77 रन। रीसेंट फॉर्म 9-9, 50-51, 5 टी20 का फॉर्म है इनका भी। ऋषभ पंत हैं, या तो यहाँ पर ऋषभ पंत खेलेंगे या फिर ईशान किशन खेलेंगे, अभी के लिए मैंने ऋषभ पंत को रखा है। करियर में 30 मैच में 865 रन है, हेड टू हेड में एक मैच में 48 रन है। और रीसेंट फॉर्म जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हुई वहाँ पर 15-9, 10 उतना अच्छा फॉर्म नहीं था। अक्षर पटेल आएंगे यहाँ पर, करियर में 44 मैच में 273 रन 53 विकेट है। बांग्लादेश के खिलाफ 5 मैच में 19 रन 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 7 रन 0 विकेट 0 रन 1 विकेट और 0 विकेट है। इनका भी जो फॉर्म है वो टी20 का ही है। वॉशिंगटन सुंदर है, 9 मैच में 145, 8 विकेट है अपने करियर में। और अभी जो भाई न्यूजीलैंड वाली सीरीज हुई थी ना वहाँ पर इन्होंने बैटिंग बहुत तगड़ी की थी, बॉलिंग तो उतनी अच्छी नहीं हुई थी लेकिन बैटिंग आप देखो 37 रन 0 विकेट 9 बैटिंग और 51 रन 0 विकेट, बहुत बढ़िया बैटिंग की थी। शार्दुल ठाकुर आएंगे आज से, 28 मैच में 258 रन 40 विकेट है करियर में। और ये विकेट टेकर बॉलर है भाई, 33-2 विकेट है, 1 विकेट है, 0 विकेट है, 1 विकेट है। दीपक चहर हैं, 11 मैच में 192 रन 15 विकेट है करियर में। रीसेंट फॉर्म 18-2 विकेट, 10-2 विकेट, 9 बॉलिंग और 12 रन 0 विकेट है। मोहम्मद सिराज 13 मैच में 18 विकेट है करियर में। रीसेंट फॉर्म 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से पिक करने वाला हूँ, यहाँ से मैं रोहित, विराट और श्रेयस अय्यर को रख रहा हूँ। आप चाहो तो शिखर को भी बिल्कुल रख सकते हो। नीचे से मैं यहाँ पर अक्षर को रख रहा हूँ, शार्दुल ठाकुर को रख रहा हूँ और सिराज को रख रहा हूँ। बाकी बेंच में जो प्लेयर हैं मोहम्मद शमी अनअवेलेबल हैं। ईशान किशन जो हैं इनके रिकॉर्ड देख सकते हो आप, 9 मैच में 267 रन है करियर में और रीसेंट फॉर्म 50-20-93-10 हैं। राहुल त्रिपाठी अब तक इनका डेब्यू हुआ नहीं है, लिस्ट है में 53 मैच में 1782 रन है। और रीसेंट फॉर्म देखो आप 111-107-61-93 बहुत बढ़िया फॉर्म से आ रहे हैं। रजत पाटीदार लिस्ट है में 51 मैच में 1648 रन, रीसेंट फॉर्म 1-8-13-50-52 है। शहबाज अहमद ODI में 2 मैच में 3 विकेट है जबकि लिस्ट ए में 35 मैच में 791 रन 38 विकेट है। और लिस्ट ए का फॉर्म देखो इनका 62-1 विकेट, 3 विकेट, 7-2 विकेट, 59-4 विकेट है। उमरान मलिक रिप्लेसमेंट प्लेयर है यहाँ पर समी के, 3 मैच में 3 विकेट है ODI में। रीसेंट फॉर्म 2 विकेट, 9 बॉलिंग, 1 विकेट है। कुलदीप सेन लिस्ट ए में 13 मैच में 25 विकेट है, रीसेंट फॉर्म बहुत तगड़ा था इनका लिस्ट ए में, 4 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। तो इंडिया की तरफ से स्टार्टिंग की ओर डालेंगे सिराज, दीपक चहर, वॉशिंगटन सुंदर। डेथ की ओर डालेंगे ठाकुर, सिराज और दीपक चहर। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर अपन चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करें यहाँ पर डेमो टीम की, तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से फिलहाल के लिए रखा हुआ है मुशफिकुर रहीम को। बैटिंग सेक्शन से मैंने लिट्टन दास, श्रेष अय्यर, विराट कोहली, रोहित शर्मा को रखा है। और ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने अक्षर पटेल, साकिब अल हसन, महमदुल्लाह को रखा है। और बॉलिंग सेक्शन से मैंने सिराज, मुस्तफिजुर्रहमान और शार्दुल ठाकुर को यहाँ पर पिक किया हुआ है। कैप्टन मेरे विराट कोहली है, वाइस कैप्टन मेरे यहाँ से साकिब अल हसन है। लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम जो भी होगी आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो थैंक यू भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।